देख ले बक्सू, देख ले क्या बखत हो गया, और महारानी ना आई भाई अभी तक। आ जावेगी आ जावेगी, तेरे को ऐसी क्या फिक्र है। हाँ आ जावेगी, आज आ जावेगी, चलो कल भी आ जावेगी, पर परसों आएगी। फिर ना क्या ना भाई कि नियामत ने जबान बंद रखी, अकल ना दी। तू जबान बंद ही रखे तो बेहतर है, और तू क्या बक्कू को अकल देगी, एक बच्चा पैदा ना कर सकी, चलिए बक्कू को अकल सिखाने। आ भाई मैं तो बच्चा ना दे सकी, उसने 10 बच्चे दे दिए तुझे, है ना। अच्छा चल चल, ज्यादा बड़बड़ ना कर, ये औरत की जात हो गई नजीर, कुछ नहीं दिया ना तूने ना उसने, दोनों बांज दोनों। हाँ, दोनों बांज, जब दोनों ही बांझ हैं तो उसे सर पर उठाकर क्यों रखता तू? तो क्या तुझे सर पर उठा के फिरू? बक्कू बड़ा पछताएगा, सर पकड़ कर रोएगा। याद रखियो मेरी बात, बाणो ना रहेगी अब तेरे पास। ना रहे, तू भी चली जा, बड़ी गलती हो गई जब मैं यहाँ आ गया। क्या तड़प रहा है, कैसी तड़पन लगती है, तड़प 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 है। उसके बारे में कोई अगर बात कर दे तो, बड़ा 60 साल की उम्र में मजनू बड़ा फिरता है उस हरामजादी बज्जात के पीछे। हाय हाय, चमकी वो तूने बानो को देखा है? बानो घर नहीं आई अभी तक। तू कहाँ से आ रही है? ए, तुझे क्या, तू बाप है मेरा? नहीं, मैं तो तेरे बाप का यार हूँ। तो चाचा कहूँ तुझे? ना ना, मैं किसी का चाचा वाचा नहीं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जमाना बड़ा खराब है, ख्याल रखा कर। जमाना मेरे लिए खराब है, बानो के लिए नहीं, उसे तो खुद ढूंढ के घर लाना पड़ता है, मैं तो चली जाती हूँ घर, जा जाकर ढूंढ कर ला उसे। अरे 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 अरे, तेरी जमाने की रेलगाड़ी छुका छुक चली जा रही है। चल अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है, ये ना हो कि बकू तुझे ढूंढने निकल पड़े। ढूंढता है तो ढूंढने दे। पागल हो गई, तुझे मेरे साथ देख लिया तो बहुत मारेगा। तेरे साथ ना होती तो ना मारता मुझे, पानो डरती नहीं मार से। मुझे भी मारेगा। तू भी मारना उसे। मैं इतना बहादुर होता तो उस कुत्ते को जिंदा जमीन में नहीं गाड़ देता, वो जो पीने को भगा के ले गया था। मेरे लिए तो वो फरिश्ता ही बनकर आया, अच्छा हुआ तेरी और मेरी दोनों की जान छूटी। तूने क्या करना था इतनी लंबी जबान वाली औरत को? लंबी? इतना तेरी कौन सी छोटी जबान? मैंने क्या किया है तुझे? अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मेरे साथ ऐसा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं अपने दिल की बात बता दूं तुझे? क्या है तेरे दिल में, बोल। वो खाना नहीं, वो मुन्ने को संभालते संभालते थक गई होगी, घर चले। चलो। ये तू क्या समझी? कुछ नहीं। ओ बेगम, ओ बेगम दे जा, ओ दे जा बेगम, क्या
अभी भी, अभी भी, एक पैसा, एक पैसा। जा, वहाँ दुपट्टा तेरा लटक रहा है, ऊंचा कर ले, दे जा, दे जा, दे जा। छम्मक छल्लो, घर की याद आ गई तुझे? तू जबान अपनी बंद रख। आ गई तू? नजर आ रही हूं तो आई गई हूं। कहां थी इतनी देर से? यहां रोज होती हूं। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे, मेरा जबान काट दूंगा। भीख मांगने? तुझे पता नहीं कब रात आई, कब घर जाना है पता नहीं चलता। खाली हाथ घर आती और आके तेरी गलियां खाती। सुबह से कुछ नहीं मिला था, अब जाके चार पैसे इकट्ठे हुए। ले। तो कहां भीख मांग रही थी? सड़क पर तुझे बस्ती के तो किसी आदमी ने तुझे सड़क पर नहीं देखा, कहां भीख मांग रही थी? बस्ती के सारे लोग अंधे हैं। सारे अंधे भाई, सारे अंधे हैं, बस आंखों वाला तो एक ही है, वो रहीम है। मैं कहती हूँ चुप करा ले इसको, बहुत सुन ली। रहीम के साथ थी? तूने देखा है? हाँ देखा है, मैंने देखा है, हजार बार देखा है। तू तो पागल हो गई, मगज खराब है तेरा। तेरा तो जिस दिमाग है ही नहीं भाई, हाँ मेरा ही खराब हुआ है बस। मैं कहती हूँ चुप करा ले इसको, ये कौन होती है मेरे मामला से मैं बोलने वाली? सौतेल होती हूँ तेरी, और कौन होती हूँ? देख बासुम, आज के बाद तू घर से बाहर नहीं जाएगी। तू है ही नहीं इस काबिल कि घर से बाहर कदम निकाले। बस मुझे भी कोई शौक नहीं है कुंवारी का। एक दो जगह जगह जाके हाथ फैलाओ और बेइज्जतियां भी करवाओ। अब तू कहेगा ना तब भी नहीं जाऊंगी। समझ क्या रखा है बानो को तुम दोनों ने? गुलाम, बदमाश है एक नंबर की, बदमाश राणा। तू शादी क्यों नहीं कर लेता? जान तो छूटे इनसे आपों से। तू सब्जी खरीद के लिए आई है, तुझे देर नहीं हो रही? सचल तुझे कुछ ढूंढता होगा। अब्बा को पता है मैं कहाँ होती हूँ, वो नहीं ढूंढता मुझे। तूने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। रोज दिन में चार मर्तबा तुझे कहता हूँ कि मैंने शादी नहीं करनी है। एक दफा लाया था वो भाग गई, दूसरी लाऊंगा वो भी भाग जाएगी। रे भागेगी क्यों? ऐसी लाना जो तेरे साथ रहना चाहे। ये की ना तूने पते की बात, चार पैसे हो जाएंगे ना मेरे पास तो मैं बानो को भगा लूंगा या मैं खुद भाग जाऊंगा उसके साथ। ए बानो, 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 क्या लगती है बानो तेरी? ना तू क्या मेरी लगती है? मैं तो प्यार करती हूँ तेरे से। वो भी तो करती है। बक्कू नहीं बेचेगा उसे, फिर क्या करेगा तू? जो पीनू ने किया भगा के ले जाऊंगा उसे मैं। अरे मर्द अकल का अंधा हो, सामने की चीज तो नजर ही ना आवे। क्या तुझे भगा के ले जाऊं? भगाता क्यों है, खरीदता कितने? तुझे खरीद के मैं अपने गले में फंदा डाल लूं? रे मैं तेरे को फंदा लगती हूँ? बस्ती का हर मर्द मेरे पीछे है। तो चुन लेना उनमें से किसी को। चुन तो लिया है तेरे को, जबकि तू मेरा पीछा छोड़ दे। तू मानो के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? देख चमकी, तू बालों की बातें ना किया कर। तो क्या अपनी और तेरी बात करूं? काला, काला, ले जाए से यहां से। चली जाऊंगी, मैं फिर आऊंगी। जाएगी तो आएगी ना, अब जा भी, जा ना। ठड्डो उठ जा।
और सुन ले बक्कू क्या कर गया कि ना तो तू घर से बाहर कदम निकालेगी ना किसी को अंदर बुलाएगी, और अगर ऐसा हुआ ना तो वो तेरी लातें तोड़ देना। और सुन, सब्जी लाकर रख दी मैंने, उड़ जा झाड़ू बुहारू कर, सब्जी पका, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी तेरी लातें। उठ जा शहजादी, आ जा, बंद कर कुंडी लगा, मैं जा रही हूँ। खबरदार घर से बाहर निकली। क्यों भूल गया रे उड़ना पंछी। चाचा तू? सलाम अलैकुम। चल है अब्बा कभी इस टाइम घर पे होवे? नहीं नहीं, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। हाँ तो इस उम्र में दिमाग अक्सर साथ ना देवे। तू मुझसे इतने गुस्से से बात क्यों करती है? तुझे काम क्या है अब्बा से? हाँ, ये तो मैं अब्बा को ही बताऊंगा। तो फिर जब अब्बा घर पे हो तब आना। ठीक है, अब जाओ ना। हाँ जाओ। कुछ खाया इसने? हाँ खाया। मैंने को तो फिर फिर के इतनी फिक्र हो रही थी ना, पता नहीं मेरे बगैर कुछ खाता भी है कि नहीं। हाँ है ना, तू फिक्र कैसे नहीं होगी है? मगर हाँ माँ तो हूँ ना, मगर सात बच्चों के भी कोई कितने ना फिर उठाए। और अब कैसी नाशुक्री है तू है, और अब मुझको देख, एक बच्चे के लिए तरसूं? ले लेना नियामत इसे। पर क्या कहा तुमने है? दे देगी तुम इसको है? खरीद ले, खरीद ले, ले। खरीद मैं कहां सकूं, वो बक्कू ना मुराद मेरा गला ही घोंट देगा। तू ना सही कोई और खरीद लेगा, मैं और शक्कू है ना एक दो बच्चे को बेच के जमीन का सोच रहे जिनते है। और मेरी बहन ना मुझे ऐसे दे दे ना इसको। ले ऐसे कैसे दे दूं, कोई जानवर भी अपने ऐसे दे देता है क्या? ये तो फिर लड़का है लड़का। हाँ कितनी बार कहा बप्पू से कि हम कोई बच्चा न्याणा खरीद लेते हैं, पर वो मान के नहीं देता। कहता है कि औलाद हो तो अपनी हो। तेरी सौतन भी तो एक बच्चा न दे पैदा कर सकी, क्या फायदा ऐसे रंग रूप का? मुझे तो ऐसा लागे बांश तुम दोनों ने बक्कू है बक्कू। पर मर्द जात ये बात कहाँ माने है? वो तो यो ही कहे कि जनानी में खराबी है, जनानी में खराबी है जो औलाद ना होवे। चल छोड़, बक्कू से बात जरूर कर लेना, सस्ता दे दूंगी। कह कर गया है रही और तू 5,000 कह रहा है, किस जमाने में रह रहा है तू? एक बात सुन सकल, आज से 10 बरस पहले मैंने बानो को 4,000 में खरीदा था। उस वक्त बानो की उम्र चमकी बराबर थी। 10 साल पहले जमाना और था, और बानो की शादी हो चुकी थी। चमकी तो अभी कुंवारी है। नहीं यार, 40,000 तो बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ी मजबूर कर रहा हूँ तुझे, ना कर ले। तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो नहीं हुई ना? देख बक्कू, मेरी कौन सी 10-12 लड़कियां हैं जो घाटे का सौदा कर लूंगी? यार कुछ तो लिहाज कर। कर तो रहा हूँ,
रहीमू 15,000 का कह के गया? अरे वो रहीमू है ना, वो निखट्टू है, तेरी बेटी से काम करवा करवा के मार डालेगा। तो तू कौन सा लाट साहब है, तुझे भी तो उसे भीख ही मंगवानी है। अरे वाह, अरे मैं तो कमाता हूँ। जब कमाते हो तो 40,000 क्यों ज्यादा लग रहा है? अच्छा यार सचल, ऐसा कर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। देख बप्पू, मैंने 1 महीना रहीमू को दिया है, हाँ। और 1 महीने की मोहलत तुझे दे रहा हूँ। 30 दिन के बाद जो 40,000 लाएगा वो चमकी को ले जाएगा। नहीं नहीं ठहर यार, मैं कुछ करता हूँ। बड़ी गर्मी यार भाई, आज तो दिहाड़ी बिना पूरी हो सकी, आए भूख से जान निकल गई। अरे बाणो कोई रोटी पकाई के ना? पकाई थी तो कहाँ है ना, देना अपने लिए पकाई थी खाली। अपने लिए पकाई थी, बाकी सब मर गया क्या? तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो खिदमतें करती फिरूँ? बहुत खिदमतें कर ली बानो ने, अब हर कोई काम अपना खुद करेगा। अरे बड़ी जबान चल रही है तेरी, है जीभ खींच लूंगी हलक से। हाँ क्यों, तू कहा कि महारानी है कि तुझे सलाम करती फिरूं? आने दे बक्कू को, ना उसे तेरी लत्तां तुड़वाइयां ना ते नाम नहीं मेरा। ना मैं तुझसे डरती हूँ ना तेरे बुड्ढे शोहर से। देख ले सुन ले क्या कह रही तेरी लाडली हराम जादी। रे किसको बुड्ढा कह रही है? है हराम जादी नमक हराम, तो जैसी 1,000 मिले बक्कू को बुड्ढा कह रही है। 10 साल से तुम जैसी बांझ को घर में डाल रखा है, तू बड़ी चमकी की तरह जवान है जो इतराती फिर रही है। अरे वाह चलो। कैसा है रेमू? हाँ भाई सचल, बोल कैसे आना हुआ है? तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल क्या बात है? ओ चमकी को बेच रहा हूँ मैं। बक्कू 40,000 दे रहा है, मेरी मान तू खरीद ले उसे। मैं खरीदूँ 40,000 रुपए में? अरे मेरे पास 40,000 क्या, मेरे पास तो 40 पैसे नहीं है। सौदा महंगा नहीं है, वो जवान है कुंवारी है, कमाएंगी भी और बच्चे भी पैदा करेंगी। देख सचिन, मुझे बच्चे बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है। और जहाँ तक कमाने की बात है तो कभी काम मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है, अल्लाह का बड़ा करम है। उसके पास कमाने के भी तरीके हैं। सचिन तू पागल हो गया है क्या, बाप होकर ऐसी बात करता है तू? देख इसमें तेरी फायदा है और मुझे इसका जवाब सोच समझ कर दे देना। अबे ले उस्ताद, मैं जा रहा हूं। होती रहेगी ये, उठा इसको भी काम पर जाए। ना निकाल इसको बाहर, ना निकाल पछताएगा। तो ना रहने का क्या फायदा है, अरे भाग जाएगी 4 पैसे लेके आएगी। बस याद रखियो मेरी बात, अगर बाहर निकाला इसको हाँ ये भाग जाएगी। अरे भागना आसान है, देख लूंगा भाग जाएगी। पंख में तेरे जान है गर, से क्यों घबराए? साग लाई हूं तेरे लिए। सबकी
कि तेरा बाप पागल है क्या? अगर मेरे पास 40,000 रुपए होते तो क्या मैं बानो को नहीं खरीद लेता? बानो बानो बानो, पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने तेरे पे। मेरा बाप कौन सा बहुत ज्यादा पैसे मांगे है, 40,000 ही तो मांगे है। तू तो 12,000 में उस पीनो को खरीद लाया था। मैं तो फिर खूबसूरत हूँ, जवान हूँ। नाम ना ले पीनो का, अगर कोई नजर आ गई ना मैं उसका हाथ पैर काट दूंगा। रे क्या किया है उसने तेरा जो इतना गुस्सा करे है? उल्टा अपना बच्चा तुझे दे गई। 12,000 का नुकसान दिया उसने मुझको, और बच्चे का क्या करूंगा, चार डालूंगा। बच्चा बेच दे क्या? अरे लड़के का मोल इसी उम्र में लगे है, होश आने पे कोई ना पूछे, और लड़की का होश आने के बाद। बेचू किसे? बक्कू बंदर वाले को। मजाक ना कर मेरे साथ। अरे इसमें मजाक की क्या बात है, नियामत आजकल बस्ती के और बच्चों को लिए लिए फिरती है गोद में। जा जाकर उससे बात कर। आना आप खाना तो खा ले। जनानी को अपनी जात औकात में रहकर बात करनी चाहिए। ये मर्द जो होवे ना बड़ी औकड़ होवे इसकी, क्या समझे ये जनानी को है? जागीर समझे अपनी। बानो मुझे तेरा बड़ा फिक्र भाई, बक्कू कहीं नाराज होकर तुझे जला ना दे, ते जा अपना फेंक दे तुझ पर, ना फिर क्या करेगी तू? क्या मतलब है, औरत की अपनी कोई इज्जत नहीं है, बस मर्द ही उसकी पहचान हो गए। आजादी मांगने वाली जनानी की कोई इज्जत ना है, कोई इज्जत ना है, है? और बदमाश कहवे ऐसी जनानियों को, हमें याद रखी मर्द की इज्जत औरत की इज्जत से ज्यादा है। बस चल। ले चापी। तो फिर तेरे बाप ने क्या किया? 30 दिन की मोहलत दी है उस बक्कू बंदर वाले को। 30 दिन में वो पैसे ले आया तो ले जाएगा वो मुझे। क्या मतलब, तू उसके साथ चली जाएगी? क्या करें, जाना ही पड़ेगा। तूने तो मुझसे प्यार मोहब्बत की कसमें खाई थी। तू मेरी जान क्यों नहीं छुड़ा लेता उस बक्कू बंदर वाले से, मुझे खरीद ले। तेरे से तिगनी उम्र है उस बंदर वाले की। तेरे से तिगना पैसा है उसकी जेब में। उसकी पहले ही 2 शादी हुई हुई है, पता नहीं तेरे साथ क्या सलूक करेगा। अच्छा सलूक ना किया तो भाग जावेगी तेरी औरत की तरह। फिर से तूने पीनो का नाम लिया? ना तो मैंने नाम तो नहीं लिया, नाम तो तू ले रहा है, मैं ते नहीं। सोच जरा, 40,000 कोई ज्यादा रकम तो नहीं है। चमकी नाच दिखाएगी, चमकी नाच दिखाएगी, मेरे दिल को लुभाएगी, चमकी नाच दिखाएगी, चमकी नाच दिखाएगी, बक्कू बाप बन जाएगा, बक्कू बाप बन जाएगा, है बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, चमकी नाच दिखाएगी। Thank you.
बानो, ए बानो, कारे की थी तू कर? मैंने तेरा बड़ा इंतजार किया। बक्कू ने आने नहीं दिया। और आज कैसे आ गई? जेब की भूख से मजबूर होकर। तू बता, मुन्ना कैसे? ठीक है। मैंने जो कपड़े दिए थे उसे पहना है? कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। रहीना, चल मैं और तू भाग चले गए। और भला भागकर हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी, किसी भी जगह। देख देखो, परिंदे आसमान पर उड़ते हुए कितने खुश नजर आते हैं, क्योंकि वो किसी बक्कू बंदर वाले की कैद में नहीं है। ये फूल, ये दरख्त, इन रंगों में, इन पत्तों में कितनी ताजगी है, क्योंकि ये आजादी के साथ हवा में झूम सकते हैं। मैं भी ऐसी जिंदगी चाहती हूँ, बक्कू बंदर वाले के जुल्म से आजाद, उसकी बंदर या नियामत से आजाद। मानो तेरा दिमाग चल गया। रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ तो है तेरे पास, फिर और तुझे क्या चाहिए? ना, ये जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगे। जब तक हिम्मत हो तो काम खुद क्यों ना करूं? तौबा, तौबा, तौबा। खुदा का खौफ कर, ऊंचा ना उड़, इतना ऊंचा ना उड़, ऐसा गिरेगी कि उड़ भी ना पाएगी तू। बस मुझे तो इज्जत की जिंदगी चाहिए, जहां मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो, और एक प्यार करने वाला साथी हो। पागल ना बन पाना तू, ये सब ख्वाबों की बातें हो गए। रहीम, मेरे को लगता है कि मैं भी बंदरिया ही बन गई हूँ। ना ना, ऐसे ना बोल तू, मैं हूँ ना। औरत की कोई जिंदगी नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी है तो बस यही लोगों के आगे धेले धेले के लिए हाथ फैलाना, बंदरिया की तरह रस्सी गले में बांधे लोगों के आगे नाचते फिरना। बक्कू बंदर वाले के पास रहूं तो भी रस्सी उसके हाथ में हुए, तेरे साथ रहूं तो भी रस्सी तुम्हारे ही हाथ में हुए। पर दिल ये करे कि रस्सी किसी के हाथ में हुए तो वो अपनी मर्जी के मर्द के हाथ में तो हुए, जिसको देख के घिन तो ना आए। चल बानो, पता नहीं तू किस दुनिया में बैठी हुई है, मैं तो तेरे साथ बड़ी बातें करने वाला था। चल उठ, घर चलते हैं। उठ ना। करनी थी तुझसे। कर। वो जनते है ना, जनते? हाँ। वो अपना छोटा बच्चा जो है ना, वो बेच रही है। तो फिर ये कि हम खरीद लें वो बच्चा, हैं? देख बक्कू, हमारी किस्मत में तो औलाद है ना। क्या हुआ, आज नहीं है तो कल हो जाएगी। ना बक्कू, बानो कुछ नहीं देने वाली तुझे, वो बांझ है, बांझ। तो पहले कब कहा है कि बानो से औलाद होगी? हाँ, तो फिर किससे होगी? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या कर रहा? क्यों, मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी? और किससे कर रहा शादी तू? चमकी से। हाँ। बक्कू, ये तीन तीन लुगाइयां कहाँ रखेगा तू, हैं? एक कोठड़ी, एक छप्पर। हाँ तो मैं वो बानो है ना, उसे बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ? हाँ, और नहीं रख सकता ना, वो चमकी का बाप 40,000 मांग रहा है। अब उसे बेचूंगा तो रकम पूरी होगी ना,
मैं 20,000 कहां से लाऊंगा? कहां बेच रहा भाई? बस्ती में, वो जग्गू है ना, वो दूसरी शादी करना चाह रहा। बानो को बताया तूने? अरे बता दूंगा, जल्दी क्या है। उसको ना बताइए बक्कू, भाग जाएगी नहीं तो। अरे उसे तो मैं कबर से खींच लाऊंगा। वाह, तेरी चीज है, चाहे रखूं चाहे बेचूं। रोटी लाऊं? अरे मुझे तो तू जहर ला दे। और क्या बात हो गई, बड़े गुस्से में है भाई। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो पासा फेंकता हूँ उल्टा ही गिरे। क्या बात हो गई, बता तो सही कुछ। अरे वो बानो को बेचने गया था, कोई कीमत ही नहीं मिलती उसकी, कोई मोल ही नहीं लगता, कोई 2,000-4,000 से ज्यादा देता ही नहीं। तू क्या समझ रहा था, लाखों मिले। बोल, चुप क्यों हो गई? मैं सब जानती हूँ, बेच रहा है मुझे। अरे बेचूंगा तो जब जब तेरी कोई कीमत मिलेगी, कोई 2,000-4,000 से ज्यादा नहीं देता है। झूठ बोलता है तू, बकवास करता है। जा जाके खुद देख ले, कोई ज्यादा दे तो ले आ। मेरी कीमत नहीं मिलेगी तो क्या इसकी कीमत मिलेगी? अरे दोनों ही बांझ है, और बांझ औरत की कोई कीमत नहीं होती, कोई मोल नहीं लगता, चाहे 20 बरस की हो या 100 बरस की। बानो बांझ है पर बेमोल नहीं है। बता कहाँ बेचने गया था? मैं तुझे कीमत लाके देती हूँ, कितनी चाहिए बोल। इसका यार जो है ना, वो देगा इसकी कीमत। जा ले आ, मेरे 20,000 मुझे दे दे और तुझे ले जाए। रहीमू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बता मैं क्या करूँ। और मैं 20,000 कहाँ से लाऊँ? ना बानो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पक्कू के पास नहीं जा सकता। 20,000 तुझे मैं दे दूंगी। ना तू कहाँ से देगी, है तेरे पास क्या? मैं भीख मांग लूंगी, तू जहाँ जाके उसे टेम मांग। टेम? 20,000 के लिए पूरा साल चाहिए होवे। मैं चंद हफ्तों में कमा लूंगी। वो कैसे? बस तू जाके उसे बात कर, मेरे सौदे की बात कर, तू मुझे खरीद ताकि उसे पता चले कि बानो बेमोल नहीं है। औरत बांझ होवे तो क्या औरत नहीं रहती, मट्टी हो जाती है। वैसे करना, पहले पैसे लेके आना, फिर मैं बात करूं। तब तक वो मुझे कहीं और बेच देगा 2,000-4,000 के लिए। बानो तू समझती क्यों नहीं है, पैसे इतनी आसानी से थोड़ी आते हैं। सौदे ऐसे ही होते हैं, इसी तरह ही होते हैं। तो देखो, तुझे मैं मिल जाऊंगी, तेरे बच्चे को माँ मिल जाएगी, तो क्या ये महंगा सौदा है? तेरा क्या जाएगा, 1 रुपया नहीं, 20,000 तो मानो के जाएंगे। अच्छा तुम बता ना, कितना टाइम हुआ? 20 दिन। 20 दिन? बानो 20,000 हैं। तुझे क्या करना है, बानो कमा लेगी। पर सोच ले तू, मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? अरे जाना कहाँ है रहीमू, तू सुना। चल तुझे चाय शाह पिला। खैरियत खैरियत,
ये आज इतनी मेरी खातिरदारी क्यों हो रही है और वो भी तू कर रहा है। बकु तुझसे मैंने एक जरूरी बात करनी। हाँ कर, क्या बात है? वो सुना है कि तू बानो को बेच रहा है। हाँ खरीदेगा। कैसी बात कर रहा है तू? तेरी घरवाली। तो पर तू क्यों मेरे मामले में बोल रहा है? घरवाली है वो। देख बक्कू एक बात को बुरा नहीं मानना। हाँ चल बोल, क्या बात है? हो सकता है कि बानो बांझ ना होए। अच्छा फिर? तुझ में कोई खराबी हो। बात सुनना बकू, हम मर्दों में खराबी यही है कि अपनी बुराई को छुपा के औरतों को अंजाम दे देते हैं। तो तू क्यों इतनी तरफदारी कर रहा है? अरे तू इतना तरफदार है उसका तो निकाल 20,000 रुपए, ले जा। 20,000? बानो तो लाखों में एक है। चल लाखों में एक है तो निकाल लाख। हा, 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 ले जा, आ जा, ले जा। आया बड़ा बाशे, लाखों में एक है। चल चल जा, जा तू यहाँ से। आया बड़ा तरफदारी करने वाला है। ले, ले। जी बानो जी, ना वो 20,000 रुपए जो है जो आप देंगी हैं? 20,000? कौन से 20,000? थोड़ा वही 20,000 जिनको देने की रहीमू ने 20 दिन की मोहलत मांगी बक्कू से। मोहलत उसने मांगी और पूछ तू मुझसे रही है? तो रहीमू के पास कहाँ से आ गए 20,000? उसका मखत के कने तो 200 भी ना, कंगला वो। तुझे कैसे पता रहीमू कंगला है? सारी बस्ती को पता है, मुझे क्यों नहीं पता होगा भाई? उसने वादा किया है तो देगा। देख बानो, तू देगी ना 20,000 उसकी तरफ से हैं? अगर तेरे पास हैं तो बक्कू को दे देना, वो चमकी को खरीद ले। आ 20,000 में बक्कू को दे दूं ताकि तुझसे और बक्कू से मेरी कभी जान न छूटे, बल्कि चमकी जैसी चुड़ैल आके मुझसे चिमट जाए। हैं रहीमू को तो देगी ना? हाँ दूंगी, एक बार क्या 100 बार दूंगी। जा जा बता दे बक्कू को। ना कहाँ से देगी? मैं कमाऊंगी। अभी कमांग के कमाएगी हैं? जो भी करूं तुझे उसे क्या? बदमाश। देना टाई कितनी अच्छी बांधी है और आज जवान छोकरियों को दे रहे हो? जा तेरा खाना खराब है, टाई बांध के बैठा हुआ है, जवान छोकरियों को देते हैं है? आए दे, देना 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 देना।
प्रणाम। इधर आ। क्या है? कहां से आई है? ये गाड़ी में बैठकर कहां से आई है? कौन सी गाड़ी? झूठ बोलेगी ना, गला घूट दूंगी। हैं? मैंने गाड़ी भी देखी है, गाड़ी में बैठा हुआ मर्द भी देखा है। तुझे क्या पता मैं किसके साथ किस लिए गई थी? नियामत कोई बच्ची है जो उसको समझना है, है? उन्हें 20,000 भीख मांग कर जमाना होवे है, है? सारा कुछ कर, मुझे पता है जो कुछ तू कर रही है, तो सारी जनानियां करती फिर रही हैं, तू भी कर, लेकिन लुक छुप कर कर, समझ करने वाली बात है। चल घर। लाल दुपट्टा तू पहनेगी नियामत? पागल हो गई है भाई। मैं क्या पहनूंगी बुढ़िया, चमकी के लिए बना रही हूँ। 100 कन जाएगी तो दूसरी आएगी, फिर ये फंदा अपने गले में डालना, फिर किल 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 उसको तंग करना, उसकी जिंदगी अजीरन करना बच्चे के लिए। बाना, तेरे कने कितने पैसे हैं भला? 20,000 अभी नहीं हुए। ओए ओए, और 5 दिन तो रह गए, 20,000 ना हुए अभी? नियामत, 5 दिन में 20,000 नहीं हुए तो तू देगी थोड़ी रकम मुझे? मेरे कने पैसे कहाँ भाई? चल चल, दे दूंगी थोड़े बहुत। हाँ ले, पिछले 15 दिन में कितना बड़ा दिल हो गया है तेरा। अरे बानो, तुझसे मेरी जान छुट जाए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? हैं? पैसे देके जान छुड़ा रही है, तेरी भी तो जान छूटेगी ना। हाँ, रहीमू होगा, मुन्ना होगा, आजादी की जिंदगी होगी, इज्जत की जिंदगी होगी, भीख नहीं मांगनी होगी। और तेरा तेरा क्या होगा? वो ही किल किल, वो ही बक्कू बंदर वाला, और मेरी जगह चमकी। Thank you.
आज मेरा तेरे घर में आखिरी दिन। अब ऐसे भी ना कहे हैं सिर्फ मेरा घर है क्या? हाँ नियामत, ये सिर्फ तेरा ही घर था। मैं तो पता नहीं कौन सी सजा काटने आई थी इधर। ना भी बानो इस तरह ना कहे हैं, अब तू जा रही है, कल रहीम आवेगा और मुझे ले जाएगा। अच्छा एक बात तो बता भानु, वो 20,000 जमा कर लिए तेने? 20,000 जमा ना होते तो मैं इधर इस वक्त इधर बैठी होती, दर दर ना फिर रही होती। भई भानु तो जाने को तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार बैठी। अरे जाती है तो चली जाए, पर ये बता कि रहीमू कब आ रहा है 20,000 लेके? रहीमू दे गया मेरे को 20,000। हाँ, पर कह रहा था खुद आके बकू को देगा कल। अरे वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है तूने। अरे वाह। अरे बस खुशखबरी सुन के खुश ना हो, तू बता तेरे 20,000 कहाँ जो चमकी के लिए जमा किए थे तूने? अरे वो 20,000 मेरे पास है, 20,000 मुझे बानो देगी, 40,000 दूंगा मैं चमकी के बाप को, और कल चमकी बैठी होगी मेरे सर पर। हाय हाय। ला मुझे दे, मैं अंदर रख कर आऊं। ना 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 ना, वो मैं खुद रखूंगा। अच्छा मैं अभी मुर्गी और भंग लेके आता हूँ, शाम को जश्न मनाएंगे, मुर्गी पकाएंगे, भंग घोटेंगे, टक दिन 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 टक दिन 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 टक दिन दिन धा। ठीक है अभी आया। ये जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगे। जब तक हिम्मत हो तो काम खुद क्यों ना करूं। जमाने ने औरत की कभी भी कदर नहीं की। एक बानो है जिसकी सोच इतनी ऊंची और किस्मत इतनी खराब। मेरा दिल कहता है कि खुदा ने औरत को होठ मुस्कुराने के लिए दिए, ताकि वो अपनी मुस्कुराहट से दुनिया में खुशियां फैलाए। और बानो, उसके होठों पर हमेशा एक सवाल और आंखों में दुख का समंदर। देख लेना नियामत,
कैसे खिदमत करेगी वो जवान छोरी मेरी, और कमाएगी भी ज्यादा और मेरी नस्ल भी चलाएगी। ले और दे इसको भाई, बस बस मुझे और पी ले, और जा रही है ना, मेहमान है ना हमारे, पी ले। अरे वाह, ये ले पी ले, थोड़ी सी थोड़ी सी, ये तो खत्म कर। आचरे मयूर मिला के जंगलो बागन बम 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 जाए ला 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 ला। आचरे मयूर मिला के जंगल रा 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 रा। आचरे मयूर मिला के जंगलो बागन बम 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 रा 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 रा। नाच रे मयूर गणगणाते घंगरु और भाकर बम बम बम। मेरे पैसे किधर चले गए? मेरे पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं है।
भी गया था कि नहीं? मेरे साथ चालाकी मत करना, अगर वो 20,000 मुझे नहीं मिलेगा तो चमकी से मेरा सौदा खत्म हो जाएगा। समझे? सच कहती हूँ, प्रेम लेके गया था, मुझे नहीं पता किधर चले गए। पांच औरत मुझसे बकर करती है, मुझसे बकर करती है। मैं खत्म, मैं दे दूँ। पैसे मेरे पैसे। अरे मैं दे दूँ। निकाल पैसे, मैं कहता हूँ निकाल, निकाल, निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल पैसे। ये पैसे मेरे पास चले गए, मेरे पैसे चले गए। झूठ बोल के, झूठ बोल के। के लिए पूरा सौदा ना आएंगे।